अस्सलाम बरूद भाई, मैं आपके सामने इमरान खान। हमारी तो आपको पता है जी, सब की सब चीज़ें ज़ाया हुई पड़ी हैं, लेकिन ओपिनियन पोस्ट ने ना मेरे को यहाँ पे जॉब दी है। और जो मैं आपको बता दूँ, आई एम वेरी हैप्पी, बट मेरा पहला दिन है एंड आई एम गोइंग टू इंटरव्यू अ वंडरफुल वंडरफुल एक्ट्रेस जिनका नाम है जी आरती खेतरपाल, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी दिल्ली से, मतलब दिल्ली में पैदा हुई वो, उसके बाद वृंदावन, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, और फिर तो जाने जी कहाँ कहाँ कहाँ। तो हम बहुत बहुत खैर मकदम और जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। हमने खैर कोई नाम रखा नहीं क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि जी हमारा ना क्या है कि इस ओपिनियन पोस्ट ने हमको जॉब दी है एंड माई जॉब इज टू टेक इंटरव्यू ऑफ योर्स। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ दैट इमरान खान इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ योर्स? आई एम रियली वरिड कि इंडिया वाले अब मेरा जो अभी अभी डेब्यू किया वो करेंगे भी कि नहीं मेरे साथ, और देखेंगे भी कि नहीं मेरे अब वेब शो। नहीं जी नहीं, देखिए पहले मैं इनके वेब शो के बारे में बता देता हूँ जी। इनका आ रहा है जी रागिनी MMS रिटर्न्स सीजन 2। तो जी आपने जिन्होंने पहला नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जरूर देखना जी, क्योंकि इसके अंदर वो है जिनका इंटरव्यू इमरान खान कर रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? आप स्ट्रीम करवा देंगे पाकिस्तान में? मैं करवा दूंगा, सेंसर ही को टेंशन नहीं जी। आप देखें, जब यहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप तो जी सराखों पे रखे जाने हो, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं जी, खांसने कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं आपको सरहद के पार ना चली जाए हमारी खांसी। अरे कोई बात नहीं जी, हम उसका भी खैर मकदम कर देंगे जी, कमाल है, वहां से गुड़ भेज देंगे आपके लिए, कमाल कर देता। वो आएगा ही नहीं इंडिया तक। नहीं जी, मैं अगली बार जब आना है तो लेकर के आना है, वो यहाँ पे जॉब भी तो करनी है, सब चीज देखनी पड़ती है। मैंने सुना आपके बारे में कि आप जो है ब्राउन बेल्ट हो जूडो कराटे में, इज इट राइट? हाँ, अब क्या करें, अब हमको आप जैसे दिग्गज लोगों से मिलना पड़ता है, तो इंडिया वाले हमको प्रिपेयर करते हैं ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ब्राउन बेल्ट आपने पहनी भी हुई है? आप स्कूल गए थे? मैं स्कूल बहुत गया हूँ, बहुत ज्यादा स्कूल गया हूँ। मैं बताऊँ आपको, अच्छा आप बताएं आपके कितने परसेंट आते थे 10th में और 12th में? 10th में मेरे आए थे आई थिंक 90% एंड 12th में मेरे आए थे 96% और मार्केटिंग में आए थे 99%। तो आपके और मेरे विचार तो मिल रही है ना जी, देखिए 90, 96, 99 तीनों टर्मों के मिला लूँ ना तो नहीं आने मेरे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। हम तो स्पोर्ट्स कोटे में अपना लगाते थे जी कि हमारे भी आ जाए कुछ नंबर। और एक बात ना, यू विल प्राउड ऑन मी, अब जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, अभिनंदन, थैंक्स टू यू, तुमने मुझे जो मतलब हिंदी सिखाई है ना, मैं एक बार जिसे बोलते हैं ना, री वेलकम कर रहा हूँ आरती जी को, और बोलूंगा राधे राधे। आपको बैन ना कर दिया जाए पाकिस्तान से जी, बैन करा तो रह जाएंगे, नहीं तो आप आधे आधे। नहीं जी, बैन करा तो ही तो मैं इधर, एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है। हेलो यार बजवा साहब, यार तुम्हारी तो बज गई ना यार, मेरे को बजा, मतलब मेरे को बात कर ले दो यार। ओ यार सब पे पा देते तुसी यार, ऊपर रखो फोन यार, बड़े अच्छे लोग आए हैं यहाँ पे, पहली तो नौकरी मिली है, कोई वो दे नहीं रहा यार पैसे, कोई देता नहीं, कटोरा इतना बड़ा हो गया लेकिन पैसे कोई नहीं डाल रहा, हर को फोन यार। यार यहाँ तो इनकम इनके भी पैसे लगते। हाँ अब मैं सॉरी, ग्लैमर लुक मेरी, हाँ जी, हाँ मैं तुसी पूछना, अब बताएं जी आपकी आपकी जो ये जो जो करैक्टर है आपका, देखिए जैसे मेरा करैक्टर है, 3 मेरी ऑफिशियल हैं जी, नॉन ऑफिशियल का मुझे खुद नहीं पता है, और कौन सी क्लास है मुझे वो भी नहीं पता, पर ये जरूर पता करना चाहता हूँ कि ये जो MMS 2 रागिनी MMS 2 या रिटर्न्स व्हाटएवर सीजन 2 आ रहा है, इसमें आपका करैक्टर क्या है? जी मेरा करैक्टर तो बड़ा ही दिलचस्प टाइप का है। अच्छा जी, अब आपको भूत भूत देखने की तो आदत होगी, अब आप हमारे को देखने की भी आदत लगा ही लें, क्योंकि हम हर एपिसोड में आपको ऐसे ही खुश खुश करते रहेंगे, जिस टाइप की खुशियाँ आपको पसंद है ना, उसी टाइप की दिलचस्प खुशियाँ हम अपने MMS के थ्रू आपको भेजते जाएंगे सरहद पार। और देखें मतलब कि मैं जो था ना ब्लश कर रहा हूँ, और उम्र की नहीं लंबी है डार्लिंग, मैं कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ यहाँ इंटरव्यू ले रहा हूँ, और तुमने अपनी शक्तियों से पता लगा लिया ना कि मैं क्या, और मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं कोई फ्लर्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा, रखो बीबी बुशी डालिंग, ना 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 प्लीज रखो, हाँ ओके बाय बाय टाटा सी यू अल्लाह हाफिज नो सईद, अगर ऐसी रही तो नो इमरान भी हो जाना, रखो। वैसे पता चल जाता है ना बीवी को कितना कि कौन सी एक्ट्रेस से बात हो रही है आजकल, आपके ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा
मशहूर है। मैं आपको क्या बताऊं, अभी आप यहाँ बैठे थे ना, अभी एक मक्खी आई थी बुज बुज करती, आपको याद है जी? वो मक्खी नहीं है, वो मेरी बीवी की एजेंट है, उसने ना कुछ उसमें ना तीतर बटेर कुछ करती है, फुफ फफ करके ना, और वो भेज देती है अपने अपने जो अपने नुमाइंदे होते ना उनको। तो खैर जी कोई बात नहीं है, तो अपना रोज तो आप क्या करेंगे, हमारा जब MMS लीक होगा 18 तारीख को, तब आपके ड्राइवर, आपकी मेड, आपका कुक सबके फोनों में आ जाएगा। तो गलती से अगर आपकी बीवी के फोन में आ गया और गलती से अगर ये इंटरव्यू उन्होंने देख लिया तब देखिए जी, एक बात बताएं, एक आदमी होता है जो जाया होकर के ना जमीन पर पड़ता है टप आ करके, और जो बेसमेंट में पड़ा उसने कहाँ जाना है पता नहीं मुझे, पाकिस्तान ने निकाला तो हिंदुस्तान ने यूं करके बाएं फड़ करके यूं करके फड़ा जी। ये वेब शो तो बेसमेंट पे ही हिट होगा, तो आप बेसमेंट में ही रहिएगा, ऊपर तक जाने की कोशिश भी मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ जी आपको कि मेरे बेबी को बेस पसंद है। देखो जी देखो, आपको बेसमेंट तो बोल भी नहीं सकता जी, क्योंकि मुझे पता भुज भुज करती यही घूम रही है, और जानना जो है ना मेरे को भी बड़ी दूर जानना है। पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू यू एंड टू योर टीम। भाई एक बात माननी पड़ेगी, आप ही मान लोगे कि आपके ऊपर ना बिहारी जी और बालाजी दोनों का हाथ है, नहीं है? बता दो मुझे। जय बालाजी की तो आप टाइम फॉर बाला, नो सो वी आर ऑल डूइंग बाला जी। बस वही है, मैं विग उतारूंगा तो वो भी डांस कर सकता हूँ मैं, पर मैं उतारूंगा नहीं, मुझे पता है। तो आपको ऑल दी बेस्ट है आपके इस आने वाली वेब सीरीज के लिए, ऑल्ट बालाजी पे आएगी जी, आप भी देखना। मैं तो खैर मेरे तो पूरा का पूरा घर के अंदर ही बुशरा ने इतना बना रखा है कि शीशे के आगे वो नहीं दिखती है, पलटती है तो मैं नहीं दिखता हूँ। पर जो भी है जी, आई वुड लव टू से कि भाई मेरा पहला इंटरव्यू इन्हें सोने बंदों के साथ हुआ है, इतना अच्छी शुरुआत हुई है, और मैं कौन, मतलब मैं और भूत, आप तो अभी से इतना प्रिपेयर हो गए। देखिए जी क्या है कि अगर मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा ना, मुझे पता है जब भूत चिपटते हैं ना तो क्या होता है, आप समझो बात को। तीसरी वाली ऐसी बिना देखे तो शादी कर ली मैंने, उसको देखा थोड़ी आज तक मैंने, उसके पापा ने नहीं देखा आज तक, मैं कहां से देख पाऊंगा, शीशे के आगे तो दिखती नहीं है वो। तो मैं अपनी ओर से, ओपिनियन पोस्ट की ओर से, और आप सब की ओर, तुम्हें पता है मैं आपका बड़ा लवेबल हो चुका हूँ, आप सब की ओर से इनको बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ, इनकी टीम को बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ। 18 दिसंबर को जी आप भी अपने अपने फ़ोनों पर अगर ऑल्ट बालाजी आपने नहीं इसमें उतारा है ना तो उतार लें और ज़रूर देखें जी, और ऑल दी वेरी बेस्ट वंस अगेन है जी। थैंक यू जी, सलाम, असला बरूद, अल्लाह हाफिज, नो सईद, नो बगदादी, नो अब तो बजवा, ओनली इमरान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।